तो यहाँ पर ये यह मेरे पास Redmi 11 Prime 5G स्मार्टफोन बस Redmi 11 Prime 5G स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में

रखेंगे तो आप अपने हिसाब से रिसाइज करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये देख लीजिए और अलग अलग शेप में भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अपने हिसाब से आप रिसाइज करके ये देख लीजिए और ये निकाल कर आप दूसरा शेप लाना चाहते हैं दूसरे शेप में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस राउंड शेप में ये देख सकते हैं राउंड शेप में इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन पैनल में आकर इस पर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब मान लो आप दो 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 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनो बटन पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं अगले फ्यूचर की बात करने के लिए एक सिक्योरिटी बोलकर एक एप्लीकेशन आपको मिलता है एग्री करके आना है इस सेटिंग में ये देख सकते हैं इसके बाद आपको अपटोमाइज पर क्लिक

माल का है एग्री करके आना पहली बार आए तो यहां पर कोई भी एप्लीकेशन हैकिंग के रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर बताएगा और यहाँ से इसको जरूर कर लेना अगले फ्यूचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में सेटिंग्स में आने के बाद आना है यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग में आप जब आएंगे आपको यहाँ पर मिलता है डार्क मोड आप डार्क मोड, आप डार्क मोड को ऑन करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए इसके अलावा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इसी

अच्छा लगे ये देख लीजिए और नीचे आने के बाद कलर टेम्परेचर को भी आप पर वार्म कूल कस्टम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे स्क्रीन का कलर बैक आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर नाइन्टी हेड्स रिफ्रेश रेट आप इसमें सेट कर सकते हैं आप नाइन्टी हर्ड्स करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों और लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है उतना ज्यादा भी फर्क नहीं होता है बैटरी का आप नाइनटी हेड कर लेना स्मूथ यूज करने के लिए इसके बाद आपको नीचे मिलता है पर आप फॉन्ट पर क्लिक करके प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करके भी फिलहाल तो एक ही फॉन्ट है आप स्टाइलिस वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो यहां से आप स्टाइलिस वाले फॉन्ट्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में आप जब आते हैं नीचे आकर आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे यहां पर है टेक्सट साइज ये फिलहाल तो ये नॉर्मल बाय डिफॉल्ट तो एस होता है एस मतलब इतने छोटे छोटे फोन होते हैं कभी कभी नहीं दिखते अगर आपकी आंख कमजोर है आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहां से आप इतने बड़े कर सकते हैं एक्सेल कर सकते हैं आप अपने फोन को इतने बड़े कर सकते हैं मैं तो यहाँ पर एल कर लेता हूँ बस तो चलिए इसके बाद सेटिंग्स में आने के बाद आपको बैक आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में यहां पर मिलता है ऑटो रोटेट स्क्रीन आप इसको ऑन करेंगे तो आप जैसे रोटेट करते हैं फोन को ये स्क्रीन है ना अंदर का उसी तरह रोटेट हो जाता है दोस्तों अगले फीचर

एक ही वाल पेपर रहेगा ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं इसको एक बार ऑन करके आपको बताऊंगा अभी ऑन किया तो बार बार वाल पेपर चेंज होता है लॉक स्क्रीन वाला अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग में आते हैं एकदम नीचे आते हैं आपको यहाँ पर मिलता है लॉन्च कैमरा आप इसको ऑन करेंगे अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे दो बार क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे एकदम नीचे आएंगे हाँ पर पॉकेट मोड ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना तो अब मान लो आप जेब में रखते हैं फोन को तो कभी कभी क्या होता है कॉल आने के बाद में ऑटोमेटिक टच होता है तो आप इसको ऑन करेंगे तो आप जेब में रखते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक टच नहीं होगा स्क्रीन है ना जेब में आपका फोन है तो स्क्रीन वर्क नहीं करेगा दोस्तों अगले फ्यूचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है आपको आना है डिस्प्ले सेटिंग में और एकदम नीचे आना है नीचे आने के बाद

परसेंटेज अलग दिखाना चाहिए तो इसको आप सेट कर सकते हैं नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नॉच मतलब ये जो फ्रंट कैमरा ना आप इसको हाइड कर सकते हैं ये दिख लीजिए हाइड हो चुका है अब यहाँ पर आप डोंट डोंड करेंगे तो फ्रंट कैमरा दिखेगा अगले फ्यूचर की बात करने के लिए आपको इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है कॉलर आईडी एंड स्पैम आपको इस सेटिंग में आना है इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना आपको जो भी कॉल आते हैं वेरीफाई होकर आएंगे स्पैम कॉल वगैरह आते हैं तो आपको पता चलेगा बैक आने के बाद आपको ब्लॉकेट नंबर्स में आना है उनको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा यह लेडीज के लिए यूजफुलेंगे यहां से इस से इसको निकाल भी सकते हैं आप बैक आने के बाद आपको मिलता है यहां पर कॉलिंग अकाउंट आपको इस सेटिंग में आना है यहां पर इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में आना है यहाँ पर कोई रिंगर वैन लिफ्टेड इसको ऑन करेंगे अब मान लो आप कहीं भी फोन रखे हैं तो जैसे आपको

ली कर लेता हूं अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है बैक आने के बाद आपको मिलता है पर एडवांस्ड सेटिंग्स इस सेटिंग में आना है मैसेज कॉल रिमाइंडर्स आपको इस सेटिंग में आना है आप फाइव टाइम्स वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर हाइब्रिड आप यहां पर कर सकते हैं लाइट कर सकते हैं नॉर्मल कर सकते हैं अब लो, आपको कॉल आता है आपने नहीं देखा तो आपको हर पांच मिनट के बाद में रिमाइंड करेगा, करेगा इसके अलावा इसी फोन पर क्लिक करके इस सेटिंग में आना है अनाउंस कॉलर आईडी पर आप क्लिक करके एडवाइज कर सकते हैं अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो नाम से वो नंबर सेट है वो नाम बोलेगा दोस्तों स्पीकर में आते हैं और बैक आपको यहां पर मिलता है लास्ट में फिलिप टू से आपको इस सेटिंग है इसको ऑन कर लेना है अब मान लो आपको कॉल आता है आप जैसे फोल्ड करते हैं, फ्लिप करते हैं फोन को तो रिन्टून बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है, आना है है सेटिंग्स में इस तरह से नीचे यहाँ पर आपको मिलता है एंड कंट्रोल सेंटर आपको इस सेटिंग में आना है यहाँ पर आप कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर क्लिक इसके बाद फॉर्मेट पर आप क्लिक करके यहाँ पर डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कर सकते हैं आपने डोंट शो किया तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा पूरा नीट क्लीन बता देता है

कंट्रोल सेंटर स्टाइल मतलब यहाँ पर ओल्ड वर्जन ये इस तरह से जो पहले के पुराने फोन में होता था ना ये इस स्टाइल में आ चुका है ये तो उतना खास नहीं है आप न्यू वर्जन करेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों इस साइड से आप नीचे लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये आइकन्स मिलते हैं फीचर्स और इस साइड से आप नीचे लेकर आएंगे तो किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन आए हैं यहाँ पर वो दिखेंगे इस सेटिंग को ऑन करने का तरीका एक और बार बताऊंगा सेटिंग में आना है आपको आना है इस तरह से नीचे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आना है नीचे आकर कंट्रोल सेंटर स्टाइल पर क्लिक करके ऐसे इसको न्यू वर्जन कर लेना अगले फ्यूचर की बात करने के लिए और को शेयर कर सके बिना वाईफाई का पासवर्ड डाले इसके बाद आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में मिलता है स्क्रीन यहां से लॉक कर सकते हैं आप इसके अलावा टॉर्च को यहां से ऑफ कर सकते हैं और अटोब्राइकनेस को यूज कर सकते हैं आप ऑटो ब्राइकनेस को ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है और अब जैसे अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस 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 कम कम होता है। कम होता है है लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ज्यादा आप ऑटो को ऑन करेंगे तो इसके बाद इस तरह से स्लाइड करने के बाद में यहां पर मिलता है स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डर से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं से सबसे पहले इसकी क्वालिटी वगैरह आप यहां पर सेट कर सकते हैं और माइक वगैरह आप ये सारे सेटिंग्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग के करके स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा वापस इसको बंद भी कर सकते हैं अगले फीचर की बात

मैसेज कुछ भी आता है भी इसको ऑन करने के बाद में तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन हाइब्रिड भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू एंड डी को ऑन करके मीटिंग में जा सकते हैं डिस्टॉप नहीं होने के लिए इसके अलावा आपको इस पेंसिल पर क्लिक करना है पेंसिल पर क्लिक करने के बाद और भी बटन्स आपके यहाँ पर मिलते हैं फोकस मोड है ये बटन्स को आप ऊपर लेकर सकते हैं लेकर आ सकते हैं बेड टाइम मोड है ये बेड टाइम मोड का मतलब भी वही है डो नॉट डिस्टर्ब आप इसको सोते वक्त ऑन कर सकते हैं आराम से आपकी नींद होगी उसके बाद फोकस मोड यहाँ से ये कमाल का दोस्तों इसको भी ऑन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं शो ऑल एप्स पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ चलिए यहाँ पर मैं जी को कर लेता हूँ जी को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर टर्न ऑन न करूंगा तो अभी हमको जीमेल से कोई भी नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होगा यहाँ पर हमको नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा अभी इस फोकस मोड को ऑफ़ करूंगा ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पर जी मेल एप्लीकेशन ओपन भी होगा और इसके नोटिफिकेशन भी हमको यहाँ पर भी आएंगे थोड़ी देर के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ब्लॉक करना चाहे कर सकते हैं यहाँ से अगले फ्यूचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलता है ऐप्स आपको इस

एडिशनल सेटिंग्स आपको इस सेटिंग में आना है जेस्टर शॉर्टकट्स आपको इस सेटिंग में आना है उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन टॉर्च इसको आप यहाँ से डबल प्रेस द पावर बटन इसको ऑन करेंगे तो अभी पावर बटन के ऊपर हम डबल प्रेस करेंगे दो बार क्लिक करेंगे तो फ्लैशीट ऑन हो जाती है ये यूज़ कर सकते हैं आप ऑन करके और यहाँ से भी फ्लैश लीट को ऑन ऑफ कर सकते हैं इसके अलावा बैक आने के बाद नीचे आपके यहाँ पर मिलता है भी डबल टैप फिंगर प्रिंट सेंसर आप इस सेटिंग में आकर जब हम डबल टैप करेंगे फिंगर प्रिंट सेंसर पर तो क्या आना चाहिए कैमरा ओपन होना चाहिए तो कैमरा ऑफ कर लेता हूँ मैं अभी यहाँ पर साइड मोटेड जो फिंगर प्रिंट है ना इसके ऊपर डबल टैप करना है प्रेस नहीं करना है बस डबल टैप करना है कैमरा ऐप ओपन हो जाता है आते हैं दोस्तों और बैग एक और बार बताऊंगा आपको में सेटिंग ये पूरा तो चलिए सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है एडिशनल सेटिंग्स में आना है और जेस्टर्ड शॉर्टकट्स में आना है नीचे आना है आपको बटन शॉर्टकट्स दिखता है इस बटन शॉर्टकट्स में आना है हाँ पर लॉन्ग प्रेस होम बटन होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए हम यहाँ पर ले सकते हैं इसको टर्न ऑन टॉर्च कर लेता हूँ होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो टॉर्च ऑन हो जाता है उसके बाद लॉन्ग प्रेस द मेनो बटन मेनो बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद टर्न ऑफ स्क्रीन इसको कर लेता हूँ मेनो बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाता है ये यूज कर सकते हैं ये शॉर्टकट्स कमाल के आते हैं इसको यूज कर सकते हैं इसके बाद लॉन्ग प्रेस द बैक बटन बैक बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं चलिए टेक स्क्रीन भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ तो स्क्रीन भी लग जाता है ये

माउस से कंट्रोल कर सकते हैं पूरा ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर काफी मजा आता है दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यूज करते हुए आप यहाँ पर ये ऐसे यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं आप अपने पूरे फोन को माउस uh, से कंट्रोल करके यूज कर सकते हैं ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर अगली फ्यूचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और वापस इस सेटिंग में आते हैं और इस तरह से नीचे आपको यहां पर मिलता है डिजिटल विलबिंग आपको इस सेटिंग में आना है शो यूअर डेटा पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया ये देख सकते हैं और कितनी बार अनलॉक आए कितने नोटिफिकेशन आए हैं ये सारे सेटिंग्स देख सकते हैं और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स आपको इस सेटिंग में आना है हाँ पर वीडियो टूल बॉक्स ये कमाल का फीचर है यहाँ से इसको ऑन कर लेना और शॉर्टकट यहाँ पर लेफ्ट में आप रखना चाहिए राइट में रखना चाहिए कर सकते हैं मैं यहाँ पर राइट में कर लेता हूँ यहाँ पर राइट में एक लकीर दिखेगी यहाँ पर आपको बताऊँगा आगे यहाँ पर मैनेज वीडियो ऐप्स मतलब यहाँ पर वीडियो के एप्लीकेशन यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर मैं कर ले चुका हूँ यूट्यूब अभी यहाँ पर मैं यूट्यूब में आकर वीडियो प्ले करता हूँ यूट्यूब का कोई भी तो आपको यहाँ पर एक लकीर दिखती है कैमरा में तो नहीं दिखेगी लेकिन आप रियल देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगी इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एक फ़ीचर निकल कर आते हैं आप इस पर क्लिक करके अपने स्मार्टफोन को ऑफ़ कर सकते हैं मतलब स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन को ऑफ कर सकते हैं ओके पर क्लिक करके स्क्रीन ऑफ हो चुका है लेकिन वीडियो प्ले है आप कोई भी वीडियो को बस सुनना चाहते हैं देखना नहीं चाहते तो ये फीचर आप यूज कर सकते हैं ये शॉर्टकट अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और सेटिंग में और नीचे आने के बाद आपको इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों लाइट मोड यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो लाइट मोड ऑन हो जाएगा एक और फोन की तरह आप यूज कर सकते हैं एक और डिवाइस की तरह आप एक ही फोन में दो दो डिवाइस का मजा उठा सकते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको मिलता है सेटिंग सेटिंग के

कॉपी कर लेना है तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी कर लिया इसके ऊपर क्लिक करके वही कोड को यहां पर पेस्ट कर देना है तो चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट भी कर देता हूं terms... यहाँ पर मैंने पेस्ट भी कर दिया ओके पर क्लिक करना है अब यहाँ पर सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेट करना है इसके ऊपर क्लिक करके फिर सेट के ऊपर क्लिक करके येलो कलर को यहां पर सेव कर लेना है इस तरह से सेट हो जाता है अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर उसके बाद आपको यहां पर मिलता है सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर मोर आपको यहां पर दिखता होगा मोर मोर में आना है मोर में आने के बाद डिफॉल्ट लॉन्चर है और आप कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर डाउनलोड करके रखा है तो यहां पर आपको दिखेगा यहां से आप स्विच हो सकते हैं दूसरे दूसरे लॉन्चर में इसके बाद यहां पर मिलता है होम स्क्रीन आप इस सेटिंग में आएंगे तो आप क्लासिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आपको यहां पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे हाँ वि ड्रावर करेंगे तो इस तरह से अप करने के बाद आते हैं इसके बाद अभी यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर पर हाँ पर सेटिंग के आइकन क्लिक करेंगे मोर में आएंगे यहाँ पर इसी होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे हाँ पर आपको मिलता है दोस्तों हाँ से आप डार्क कर सकते हैं लाइट कर सकते हैं यहाँ पर डार्क करता हूँ अप्लाई कर लेता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन है ना ये होम स्क्रीन पर ही है ऐसे दिख रहा है पूरा देख सकते हैं डार्क हो चुका है अगले फ्यूचर की बात करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है इसको आप यहां पर बंद करना चाहते हैं नहीं दिखना चाहिए सारे कैटेगरीज़ तो आपको क्या करना है यहां पर लेनदेन पर क्लिक करना है यहां पर है मैनेज ऐप कैटेगरीज़ ये सारे कैटेगरीज़ को आप यहां पर इस तरह से डिलीट कर लेना है तो ये देख सकते हैं यहां पर मैं सारे कैटेगरीज़ को डिलीट कर दिया अभी यहां पर देख सकते हैं ये ऑल एप्लीकेशन एक ही कैटेगरी है बार बार यहाँ पर हमको नहीं दिख रही क्लिक करके कस्टम हाँ पर, पर क्लिक कैटेगरी हाँ को आप कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ पर नाम भी डाल सकते हैं मुझे तो अभी हम ऐप ड्रावर ओपन करते हैं तो हम अपनी कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर हमने जो एप्लीकेशन वहां पर सेट किया था यहाँ पर वो आपको मिलेंगे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल सर्च है ये नहीं आना चाहिए करना होम स्क्रीन पर और सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है मोर में आना है यहां पर दोस्तों वन स्क्रीन इसके ऊपर आप क्लिक करके नन कर सकते हैं ये गूगल सर्च चला जाएगा ये देख सकते हैं अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं सेटिंग के आइकन पर मोर पर क्लिक करते हैं और नीचे सिस्टम नेविगेशन है ये बैक बटन होम बटन मेनो बटन को आप हेड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जस्टर्स पर सेट करना है इसको नॉट नाउ कर लेना बटन हेड हो जाएंगे बैक आना तो इस साइड से आ सकते हैं इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं होम बटन ये देख सकते हैं इस तरह से करना होम बटन क्लिक हो जाता है रिसेंट टाक्स रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टाक्स को रिमोव कर सकते हैं अगले फ्यूचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर सेटिंग के एक पर क्लिक करते हैं मोर पे क्लिक करते हैं मोर पे क्लिक करने के बाद नीचे है एक अनुसार मतलब जो आपके एप्लीकेशन है उसको भी आप यहाँ पर छोटा बड़ा करके यूज कर सकते हैं ये देख लीजिए जो फीचर्स आपने इस वीडियो में नहीं देखा एक और वीडियो में देखना चाहते हैं तो टॉप टेन प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाले वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं चार्जिंग टेस्ट और कैमरा सेटिंग्स टॉप टेन प्लस फीचर्स सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में